हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दो क्यूट से हेयर स्टाइल, जो कि शोल्डर लेंथ वाले हेयर पे काफ़ी स्टाइलिश लगेंगे। कॉलेज जा रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके हेयर शॉर्ट रखते हो, आपको शॉर्ट हेयर पसंद है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेस्ट है। और जो भी कॉलेज जाती हो लड़कियाँ, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लंबे बालों में भी बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सेकेंड चैनल पे ब्यूटी टिप्स डे बाय डे जाते रहिए। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो उसमें से, तो आप जाके चेकआउट कर लेना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं खुद पे ट्राई करती हूँ, रिजल्ट मिलने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड जो मेरा न्यू चैनल है कहानी बाय प्रीत तिवारी, उसमें मैं लड़कियों की जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं शादी के बाद, जो उनको बदलाव आते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर लड़कियों पे हो रहे अत्याचारों से लेके रिलेटेड वीडियो जाते रहती हैं। तो प्लीज़ गो टू माय न्यू चैनल कहानी बाय प्रीत तिवारी। और आज का जो टॉपिक है, छोटे बालों में दो क्यूट हेयर स्टाइल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को, स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है, इसमें आपको सेंटर पार्टीशन करनी है बालों की। शोल्डर लेंथ है, ईयर लेंथ है, तो भी बन जाएगा हेयर स्टाइल। सेंटर पार्टीशन करने के बाद से आपको सिंपली हेयर को इस तरीके से उठाना है, देन कॉम करना है और ट्विस्टिंग कर देनी है। बस ओके, कैसे कर रही हूँ ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा खींच लेंगे, देन बैक में ले जाके टिकटेक क्लिप या फिर बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देंगे। अगेन एक लेयर और लेंगे। छोटे बालों में ये जल्दी बन भी जाएगा और काफ़ी स्टाइलिश लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके बाल भी छोटे हैं तो। थोड़ा थोड़ा खींच रही हूँ ताकि अगर बहुत पतले बाल हैं तो पतला ना लगे और अच्छा दिखे। थर्ड लेयर लेंगे, बस सिंपल ट्विस्टिंग। ओके, थ्री लेयर्स हमने यहाँ से किए हैं, थोड़ा थोड़ा इसको आगे की तरफ खींच देंगे। अब थ्री लेयर ही सेम दूसरी साइड में करना है। और क्लिप से सिक्योर कर देंगे। आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। सेकेंड लेयर ले रहे हैं, ट्विस्टिंग एंड क्लिप के अंदर इसको भी इंसर्ट कर देंगे। चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर जो क्लिप्स आपको चाहते हैं कि क्लिप्स आपके हाइट रहे, दिखाई ना दे, तो आपको जितने हेयर्स में आपने क्लिप्स लगाए हैं उतना ही हेयर लेने हैं, देन सिंपल सी चोटी बना लेंगे। एंड तक घुसने के बाद से सिंपली इसको राउंड राउंड लपेटना है, जहाँ पे आपकी क्लिप्स है जस्ट उसके ऊपर रखना है एंड यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है।
फर्स्ट हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन है, आप इस तरीके से बना सकते हो। शॉर्ट हेयर है, लॉन्ग हेयर है तो भी बन जाएंगे। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल भी सेम उसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ट्विस्टिंग नहीं करनी है इसमें, ब्रांच ब्रेड बनानी है। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको फ्रेंच ब्रेड बनानी है, एंड कैसे बनाना है वो बता रही हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग से थोड़ा सा हेयर ले लेना है, देन 3 लेयर्स में डिवाइड करना है, एंड इस तरीके से इसको घूमते जाना है। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे साइड से। हेयर ऐड करते टाइम ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉपर लाइन बननी चाहिए आपके हेयर में यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है आपको, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप जाकर ट्राई कीजिए कैसे शैम्पू करना चाहिए तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। ओके, इस तरीके से घूमते जाना है, क्राउन एरिया तक लेके जाना है। घुटने के बाद बैक साइड के जो हेयर हैं, घुटने हेयर में आपको चोटी बना लेनी है। पूरा एंड तक उठेंगे। इस तरीके से राउंड राउंड लपेटते जाना है। सेंटर में दम रख देना है, देन यू क्लिप से इसको भी सिक्योर कर लेना है। तीन चार यू पिंस लगा लीजिएगा अगर आप कॉलेज जा रही हैं, क्योंकि 5-6 घंटे आपको अपना हेयर स्टाइल स्ट्रेट करके रखना है इसमें। ड्रेस फिट छोटे बालों में काफ़ी स्टाइलिश और खूबसूरत सा लगेगा। अगर आप जींस टॉप डाल रहे हो या फिर कोई वेस्टर्न ड्रेस है तो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा ये, इंडियन वेयर पर भी जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो। तो ये थे 2 क्यूट से छोटे बालों में हेयर स्टाइल जो कि कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Love you all, take care, see you in the next video, bye bye.